स्वागत है आपका, मैं साक्षी गुप्ता। आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश की तमाम 25 खबरें। पंजाब की लोक गायिका गुरमीत बावा का लंबी बीमारी के बाद निधन, सोमवार को होगा अंतिम संस्कार। हरिद्वार में बोले अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड में सरकार बना दो, बाकी जिम्मेदारी मेरी। नौसेना को मिला INS विशाखापट्टनम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले अब हम आत्मनिर्भर बन रहे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू, तय होगी किसान आंदोलन की आगे की राह। थोड़ी देर में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, गुरनाम सिंह और योगेंद्र यादव पहुंचे। नई कैबिनेट की शपथ से पहले बोले सचिन पायलट, हाई कमान ने कमियों को दूर किया है। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में शामिल नहीं होंगे राकेश टिकैत, लखनऊ महापंचायत के लिए होंगे रवाना। देहरादून में खुले में प्लास्टिक कचरा जलाने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना, प्रदूषण के चलते सरकार ने लिया फैसला। कोरोना के बीते 24 घंटे में देश में 10,488 नए केस आए सामने, 313 मरीजों की हुई मौत। राजस्थान में कैबिनेट का पुनर्गठन आज, सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी। लखनऊ ऑल इंडिया DG कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन आज, PM मोदी करेंगे संबोधन। दिल्ली की हवा अब भी बहुत खराब, स्थिति में AQI 387 पहुंचा। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का असर, दक्षिण मध्य रेलवे ने 60 ट्रेन की रद्द। जूनियर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने भारत आई पाक हॉकी टीम, भुवनेश्वर में होगी। NMRC का ट्रांसजेंडरों को बड़ा तोहफा, मेट्रो स्टेशनों पर अलग से बनाए जाएंगे टॉयलेट। भारत न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता में तीसरा T20 मैच आज, सीरीज में 2-0 से आगे है इंडिया। नोएडा सेक्टर 77 में एक परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित, 2 साल का बच्चा भी पॉजिटिव। आज लखनऊ में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 56वें DJP कॉन्फ्रेंस में लेंगे भाग। कंगना रनौत ने कहा इंदिरा गांधी ने खालिस्तानियों को मच्छरों की तरह कुचला था, केस दर्ज। अमिताभ बच्चन ने पान मसाला कंपनी को नोटिस भेजा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी दिखाया जा रहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पड़ताल में 13 साल की बच्ची को पता तक नहीं चला और शूट हो गया पोर्न वीडियो। MP में एक महीने पहले आई ठंड, नवंबर के अंत में पारा गिरने से दिसंबर और जनवरी से पहले ज्यादा रहेगी कपकपी। आलिया भट्ट और बेस्टी आकांक्षा रंजन कपूर ने स्टेज भी पर मचाया धमाल, वीडियो वायरल। BSNL और MTNL की संपत्तियों को बेच रही सरकार, इससे जुटाएगी 970 करोड़ रुपए। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।